नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बुधवार को हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। वो ऊना और चंपा के विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम का 25 दिन में हिमाचल का ये तीसरा दौरा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना के ही इंदिरा गांधी स्टेडियम का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 5 सालों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राज्य का 9वां दौरा है और जो राज्य के ही यहाँ के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री के विशेष लगाव को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री के इन दौरों से शायद हैरान परेशान है, क्योंकि वे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का राज्य से पूरी तरह सफाया हो जाएगा। चलिए रुक लेते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में ही 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने गई यूपी पुलिस की टीम और ग्रामीण के बीच झड़प हो गई और जिसमें ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की गोली लगने से ही मौत हो गई। इस झड़प में ही एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। दरअसल यूपी पुलिस उत्तराखंड के काशीपुर के कुंडा गाँव में 50,000 के इनामी खनन माफिया को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी और पीछा करते खनन माफिया उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस कर जसपुर में ही दाखिल हो गया और इस दौरान ही जफर और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इस दौरान ब्लॉक प्रमुख गुरताज बुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर को गोली लग गई है और यह भी जानकारी है कि उसकी मौत भी हो गई है। महिला की मौत के बाद ही आक्रोशित ग्रामीण ने पुलिस वालों को बंधक बना लिया और पुलिस वालों को बंधक बनाए जाने के बाद ही सूचना पर मुरादाबाद रेंज के DIG शल्भ माथुर, SSP हेमंत कुटियाल, SPRA संदीप मीणा मौके पर पहुंचे और कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ ही रिजर्व पुलिस फोर्स को भी वहां पर तैनात किया गया और पुलिस अधिकारी उत्तराखंड के जसपुर में ही हाईवे पर धरने पर ग्रामीणों को समझा रहे। एक बेहद गंभीर संवेदनशील मामला यहाँ घटित हुआ है। जो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सैनिशा कि कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, क्या थे, तो उसके लिए जो है टीमें गठित कर दी गई। वहीं कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने ही हिजाब पर बैन को खत्म करने की याचिका जो है वो खारिज की थी और हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ही लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश की सबसे बड़ी अदालत में ये सुनवाई 10 दिनों तक चली। कोर्ट अब अपने फैसले में तय करेगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से हिजाब की पाबंदी को लेकर दिया गया फैसला सही है या फिर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने ही हिजाब विवाद पर ही सुनवाई जो थी उसको पूरी करने का ऐलान करने के साथ ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस का अंत संजय हेगड़े ने ही एक शेर के साथ किया था। उन्होंने कहा था, उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का, तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले पर केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने सरकार और RBI को ही नोटबंदी के फैसले से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं और उसके जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या RBI एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी की गई, क्या इसके लिए अलग कानून जरूरत है या नहीं।
और सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच ने ही ये कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी को अंजाम दिया गया, इस प्रक्रिया के पहलुओं पर ही गौर करने की जरूरत है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अचानक ऐलान से देश में हड़कंप मच गया था, जिसकी अर्थशास्त्रियों ने आलोचना भी की थी। हालांकि केंद्र का मानना था कि इससे देश में काले धन पर लगाम लगाने और आतंकवादी फंडिंग को रोकने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की दलील थी कि इससे जाली नोटों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। वहीं दिल्ली के साथ ही पश्चिम यूपी से मध्य यूपी तक बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। सीजन का पहला कोहरा पूरब की नम हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ से चलते ही समय पहले आ गया और कई स्थानों पर दृश्यता घटकर 100 से 150 मीटर तक रह गई। इसके चलते एक्सप्रेसवे और राजमार्गों वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। रिमझिम और झमाझम बारिश के चलते ही अक्टूबर में मौसम संबंधी कई निर्धारित धारणाएं टूटी हैं और इसी कड़ी में ही बुधवार की सुबह घने कोहरे से लोगों का सामना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।